वेलकम टू आवर चैनल बोल्ड स्काई। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपको कोविड हो गया है या महज आम सर्दी जुकाम। इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS का कहना है कि अभी भी आम तौर पर होने वाले कोरोना लक्षण को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, जिनमें लगातार हो रही खांसी, तेज बुखार, गंध और स्वाद का चला जाना या बदल जाना। लेकिन कुछ लोगों के लिए कोविड किसी खराब सर्दी जुकाम जैसा लग सकता है, जिसमें सिरदर्द, गले में खराश और बहती नाक जैसे लक्षण हो। जो एक कोविड स्टडी ऐप ने हजारों लोगों से अपने लक्षणों की जानकारी साझा करने के लिए कहा और जांचकर्ताओं ने देखा कि उनके ये लक्षण डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हैं या तेजी से फैल रहे नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से। अब तक पता चले प्रमुख 5 लक्षण हैं: बहती नाक, सिरदर्द, थकान, छींक आना, गले में खराश। अगर आपको लगता है कि आपको कोविड हो सकता है तो आपको तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। कुछ लोग भले ही खुद ज्यादा बीमार महसूस ना करें, लेकिन वो दूसरों को खतरे में जरूर डाल सकते हैं। बुखार होने का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना ही हुआ है। किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ते वक्त इस तरह का बुखार हो सकता है। आमतौर पर तेज बुखार के साथ सर्दी जुकाम नहीं होता है। अगर आपको बुखार है तो आपको कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए। खांसी और ओमिक्रॉन। अगर आपको जुकाम या फ्लू है तो अन्य लक्षणों के साथ आपको खांसी भी हो सकती है। फ्लू आमतौर पर अचानक होता है और मरीज अक्सर खांसी के साथ मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगने, सिर दर्द, थकान, गले में खराश और बहती या भरी हुई नाक की शिकायत करता है। यह भयंकर सर्दी जुकाम से भी बुरा होता है। कोरोना वायरस वाली खांसी का मतलब है 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगातार खांसी होना या 24 घंटे में 3 या उससे ज्यादा बार खांसी के दौरे पड़ना। अगर आपको खांसी होने लगी है और लगातार हो रही है तो आपको कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। गंध और स्वाद के जाने का क्या मतलब है? ये कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण है और ये होने का मतलब है कि आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। NHS के मुताबिक कोरोना वायरस के आम लक्षणों में छींके आना शामिल नहीं है, इसलिए अगर आपको सिर्फ छींके आ रही हैं, लेकिन साथ में बुखार, खांसी या स्वाद गंध का जाना जैसे लक्षण नहीं है तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस और दूसरी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने हाथ धोते रहें। जब सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन ना हो तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखें। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में कई तरह के लक्षण होते हैं। वो हल्के या गंभीर दोनों तरह के लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है किसी में बिल्कुल लक्षण ना हो, लेकिन फिर भी संक्रमण फैला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।